यूपी से आए कुछ युवाओं को टैंक रोड पर स्थित उनके घर में ही होम क्वारंटीन किया गया था। जिस भवन में इन्हें क्वारंटीन किया गया था, उस भवन में रहने वाले अन्य किरायेदारों ने इस बात पर आपत्ति जताई और उन्हें यहां से सिवट करने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी से आग्रह भी किया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी टीम टैंक रोड भेजी और उन्हें वहां से हटाकर राधा स्वामी सत्संग में संस्थागत क्वारंटीन कर दिया। बताया जा रहा है कि क्वारंटीन किए युवकों के पास नियमानुसार मेडिकल भी नहीं था, जिस पर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। रोष प्रकट करते हुए पड़ोसियों ने कहा कि यूपी से आए युवकों को होम क्वारंटीन किया गया था, लेकिन जहां इन्हें क्वारंटीन किया गया था वहां अन्य किरायेदार भी रहते हैं जिनका शौचालय और बाथरूम साझा था, इसलिए सभी पड़ोसी भी घबरा गए थे और उन्हें संक्रमण का खतरा भी सता रहा था। इसलिए सभी ने मिलकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी और पुलिस को इस बारे में सूचित किया। फिर अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे और उन्हें वास्तविकता से अवगत करवाया गया तो उन्होंने सभी युवकों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया। पर टैंक रोड पे हनी विला का निवासी हूँ। पिछले कल यहाँ पर दो लड़के यूपी से आए थे, उनको होम क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन लोगों के यहाँ पर ऑब्जेक्शन के बाद उन लोगों को आज एडमिनिस्ट्रेशन वाले आके उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन के लिए ले गए हैं। होम क्वारंटाइन में अब एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको होम क्वारंटाइन किया था, लेकिन यहाँ पर उनके पास ना किसी तरह का अलग से लेटरिन थी ना बाथरूम था। दूसरा, वो जहाँ तक हमें पता चला है कि यूपी से आए थे और वहाँ से रेड जोन से आए थे, तो उसके बाद फिर लोगों ने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया कि भैया उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाए, क्योंकि ना होम क्वारंटाइन के लिए उनके पास पूरी फैसिलिटी थी। अब यहाँ पर दो परिवार और हैं, उनके चार बच्चे हैं वो भी, और ये दोनों जो बंदे आए थे इनके लिए सबके लिए लैट्रिन बाथरूम सारा ज्वाइंट ही था, इसलिए ये ऑब्जेक्शन करने के बाद इस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया गया। हाँ जी, ये हमने ना, हमारे पड़ोस में हैं वो लड़के, गए हुए थे यूपी में, वो परसों रात को कहीं आ गए हैं, हमारे बिल्कुल हमारे गेट के साथ ही उनका गेट है। फिर मैंने उनको देखा, मैंने कहा ये लड़के तो गए हुए थे वहाँ सहारनपुर, तो वो कमेटी वालों को हमने इन्फॉर्म किया और एमओ को इन्फॉर्म किया हमने, भाई ऐसे ऐसे हमारे पड़ोस में ऐसे आए हैं और हॉस्पिटल में, एमओ को और कमेटी वालों को। वो सुबह आए, आप उन्होंने फिर उनको देखा दुखा सब कुछ और सारा देख के गए हैं और उन बच्चों को, लड़कों को ले गए हैं।